ब्रेक के बाद फिर हम आज हमारे अतिथि सुनील अग्रवाल से एक फिर से चर्चा करते हैं दूसरे विषय पर। अग्रवाल जी, ये बताएं कि संस्कृत जो है वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, संस्कृत भाषा को किस तरह से वैज्ञानिकता को लेकर आप इस पर क्या शोध कर रहे हैं इसमें? जब मैंने संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता के ऊपर शोध किया तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। अब देश में अंग्रेजी का प्रचलन है, अगर हम प्रश्न करें कि ए बी सी डी जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो ए के बाद बी क्यों आता है, तो हमारे पास इसका उत्तर संभवतः नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि संस्कृत की वर्णमाला है ये कैसे बनी, तो संस्कृत के जो व्यंजन हैं उनके बारे में मैंने पाया कि दो प्रकार के स्वर हो, मैंने दो प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, एक को हम अघोष कहते हैं एक को सघोष कहते हैं। अघोष माने जिनको जब हम बोलते हैं तो हमारे उसमें बोलने में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, और सघोष जो होता है उसमें बोलने में कंपन उत्पन्न होता है। और एक ध्वनि अनुनासिक कहते हैं जिसको नाक से निकाला जाता है। अब आप ध्वनियों के और एक प्रकार में देखेंगे तो एक होता है अल्पप्राण, एक होता है लघु प्राण, अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। तो जो अल्पप्राण होता है उसमें हम थोड़ी सी सांस का उपयोग करते हैं, थोड़ी सी हवा निकलती है, और महाप्राण में ज़्यादा हवा निकलती है। तो अब अगर हम अघोष अल्पप्राण ऐसे व्यंजनों को लेंगे तो वो कहाँ कहाँ से उच्चारित हो सकते हैं, तो कंठ से उच्चारित हो सकते हैं, कंठ के ऊपर तालु है तालु से उच्चारित हो सकते हैं, उसके ऊपर मूर्धा है वहाँ से उच्चारित हो सकते हैं, दांत है दांत पे जीभ को लगाकर उच्चारित हो सकते हैं, और होठ के उपयोग से उच्चारित हो सकते हैं। माने एक क्रम से हम लें तो कंठ से होठ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे मनीषियों ने कंठ से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को लिया। कंठ से उच्चारित होने वाला अघोष अल्पप्राण व्यंजन क है। अगर हम कोई एक मशीन बनाएं इंसान की तरह, यद्यपि ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर कोई एक मशीन बनाएं जिसमें कि मनुष्य का जितना मुंह है जिससे हम बोलते हैं इतने हिस्से को बनाएं और उसमें से कंठ से अल्पप्राण अघोष व्यंजन निकालें तो क के अतिरिक्त और कोई ध्वनि उच्चारित नहीं होगी। और उसी में जब हम अघोष में महाप्राण कंठव्य अगर कहते हैं तो ख निकलता है, तो क के बाद ख रखा, उसके बाद सघोष रखा, कंठ से ही निकलने वाला सघोष अल्पप्राण जो ध्वनि है वो ग है। आप अगर ग बोलेंगे और क बोलेंगे तो आपको अंतर ये मिलेगा कि क में आपके अंदर कंपन नहीं है, और ग में जब आप बोलते हैं तो छोटा सा कंपन होता है, और ग को ही अगर महाप्राण कर दिया जाए तो घ हो जाता है। और उसके बाद हम अंग बोलते हैं, वो अनुनासिक है, कंठ के सहारे से निकलता है। अब कंठ के बाद हमारे मनुष्यों ने देखा कि तालु से क्या ध्वनियाँ निकलेंगी, तो आप देखेंगे तालु से निकलने वाला माने तालव्य अघोष अल्पप्राण च है, तालव्य अघोष महाप्राण छ है, तालव्य सघोष अल्पप्राण ज है, तालव्य सघोष महाप्राण झ है, और तालव्य अनुनासिक ञ है। तो इस प्रकार से क च ट वर्ग त वर्ग प वर्ग निकला। आप प फ ब भ म बोलेंगे तो आप होठ का प्रयोग करते हैं, बिना होठ का प्रयोग किए आप प फ ब भ म नहीं बोल सकते। तो हमारी जो वर्णमाला निकली वो भी इतनी वैज्ञानिक तरीके से बनी कि आज अगर कंप्यूटर को इसका उच्चारण करना पड़े तो मुझे विश्वास है कि पूरे विश्व में अन्य कोई भाषा का उच्चारण कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम से नहीं कर पाएगा। आप अंग्रेजी में देखते होंगे पी यू टी पुट होता है, बी यू टी बट हो जाता है, डी ओ डू होता है, जी ओ गो हो जाता है, लेकिन आप संस्कृत में ऐसा नहीं पाएंगे। संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसको कोई भी पढ़ेगा, जो संस्कृत को नहीं जानता है वो भी पढ़ेगा, और जो संस्कृत का विद्वान है वो भी पढ़ेगा, तो उसके उच्चारण जो है वो समान होंगे। मतलब ये जाना जाता है कि इंग्लिश ये देखा जाए तो संस्कृत ज़्यादा सरल है बजाय इंग्लिश के। सरल कठिन कहने की अपेक्षा मैं कहूँगा कि संस्कृत नियमों पर आधारित वैज्ञानिक भाषा है। अब उसको जो नियमों को समझ जाएगा तो उसको संस्कृत में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो नियमों के अनुसार चलते हुए संस्कृत बोल पाएगा। लेकिन अंग्रेजी में नियमों ऐसे कोई नियम बंधे हुए नहीं हैं, तो अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको उसकी परंपराओं को समझना पड़ेगा। तो उस जो परंपराओं पर आधारित है उसकी अपेक्षा जो नियमों पर आधारित है वो मुझे लगता है कि अधिक वैज्ञानिक है, और इसलिए संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है। आप भी अगर किसी श्लोक का उच्चारण करते हैं और पहली बार करते हैं तब भी आप पाएंगे कि उसमें एक रिदम भी है, और ये रिदम जो है ना ये मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है।
आप देखिए पूरी जो सृष्टि चल रही है ये रिदम पे चल रही है, एक लय पे चल रही है। अगर लय बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ जाता है। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक लय से सीढ़ी चढ़ते हैं, अगर हमारी लय बिगड़ गई तो हमारे पांव लड़खड़ा जाते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ लय से चल रहा है, हमारे सोने का समय वो लय पे तक निर्धारित है। जिसको अभी आपने सुना होगा कि नोबल पुरस्कार मिला जो वैज्ञानिकों को, उन्होंने बॉडी क्लॉक के ऊपर बात की। बॉडी क्लॉक क्या है? ये लय है, जीवन की लय। तो ये संस्कृत जो है ये लय पर आधारित भाषा होने के कारण भी मानव कल्याण में बड़े सहायक भाषा है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। दूसरा, जैसे संस्कृत के बाद हम वास्तुशास्त्र पर आते हैं, तो वास्तुशास्त्र को भी विज्ञान से ही जुड़ा हुआ पाया जाता है, तो उसको आप किस तरह से आप उसको शोध कर रहे हैं या लोगों के बीच कैसे कर? वास्तुशास्त्र तो बहुत ही वैज्ञानिक है, लेकिन दुख का विषय है कि कुछ लोग इसमें अंधविश्वास को जोड़ देते हैं। वास्तव में आप देखिए वास्तुशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जिनको आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर के किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, उसका एक लेआउट बताया। तो निवास के लेआउट में बताया कि उत्तर पूर्व का जो स्थान है वो खाली होना चाहिए, खुला होना चाहिए, वहाँ पर शौच आदि इस प्रकार की कोई दूषित चीज़ें ना हो, जल का स्रोत हो या कोई भगवान की मूर्ति हो या तुलसी का बिरवा हो, ये सब उत्तर पूर्व में बताया। फिर बताया कि दक्षिण पूर्व, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, वहाँ पर रसोई हो तो वहाँ भोजन इत्यादि बने। दक्षिण का भाग जो है उसमें बताया गया है कि शयन कक्ष हो, और दक्षिण पश्चिम के भाग के लिए बताया गया कि ये ऊंचा होना चाहिए, भारी होना चाहिए और वहाँ पे शयन कक्ष हो सकता है। अब हम देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वास्तुशास्त्र भारत के मनीषियों ने बनाया, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सामान्य अवधारणा यह है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर में जाते जाते हैं तो सूर्य वास्तव में दक्षिण पूर्व में उदय होता है और दक्षिण पश्चिम में उसका अस्त होता है। और सूर्य का जैसे जैसे दक्षिणायन होता है तब तो हम बिल्कुल ही इस चीज़ को मार्क कर सकते हैं अपने घरों में, और कर्क वृत्त के उत्तर में तो ये हमेशा ऐसा ही हम पाएंगे। भारत की जो अवस्थिति है वो विषुवत वृत्त और कर्क वृत्त के बीच में है, तो अधिकांश समय हम दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम सूर्य का उदय अस्त मान सकते हैं। अब अगर सूर्योदय दक्षिण पूर्व में हुआ और दक्षिण में शयन कक्ष है, तो सबसे पहले वातायन से, खिड़कियों से सूर्य की रोशनी आएगी। सूर्य की रोशनी आने के बाद हम ज़्यादा देर सो नहीं पाएंगे, तो सुबह जल्दी उठने का काम अपने आप हो जाएगा। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि आजकल सबने खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, एसी लगा दिया है। पहले तो वातायन होते थे और चारों तरफ से खुला मकान होता था, तो सूर्य की किरणें आने से, सूर्योदय से पूर्व उठना ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो हो जाएगा। अब गृहस्वामी का कक्ष, शयन कक्ष जो है वो दक्षिण में रहना चाहिए, ये विशेष करके कहा गया है। गृहस्वामी सबसे पहले उठेगा तो बाकी लोगों को वो अपने आप उठा लेगा, तो ये एक बड़े वैज्ञानिकता से रखा उन्होंने। फिर सुबह सुबह महिलाएं उठने के बाद में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में उनका पहला काम रसोई घर जाना होता है। तो जब रसोई घर में वो पहुंचेंगी तो दक्षिण पूर्व में रसोई घर है और दक्षिण पूर्व में सूर्योदय हुआ है, सूर्य थोड़ा ऊपर आ गया, तो सूर्य की किरणें घर के उसी भाग में पड़ेंगी। अब महिलाओं के साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको सूर्य किरणों का एक्सपोजर सबसे कम होता है, क्योंकि उनको घर से बाहर जाने का काम कम होता है। हम लोगों की जीवन पद्धति ऐसी ही है, आजकल महिलाएं काम पे निकलने लगी हैं, अन्यथा महिलाओं का काम घर के अंदर है, ऐसा माना जाता है। तो उनको सूर्य किरणें, विटामिन डी, ये सब कैसे मिलेगा? तो दक्षिण पूर्व में सुबह सुबह जब वो जाएंगी रसोई घर में तो उनको सूर्य की किरणें मिल जाएंगी, उनको विटामिन डी की कमी नहीं होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। फिर दिन भर सूर्य दक्षिण की ओर गतिमान होगा। दक्षिण के कक्षों में अगर शयन कक्ष बना है, वहाँ पर बेडरूम बने हुए हैं, तो बेडरूम का उपयोग दिन भर नहीं होगा, खिड़कियाँ बंद रहेंगी, तो अतिरिक्त गर्मी जो घर में आ जाती है अन्यथा वो नहीं आएगी। अगर हमने बेडरूम उत्तर में बना लिया तो देर से उठेंगे, दक्षिण के कमरों में हम जाना आना लगाए रखेंगे तो वहाँ खिड़कियाँ खुली रहेंगी तो वो गर्म हो जाएगा। उससे बचने के लिए दक्षिण में शयन कक्ष कितने सुंदर तरीके से बताया। शाम को थक हार के लोग आएंगे, सूर्य भी अस्ताचल की ओर जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में रहेंगे, दक्षिण पश्चिम हमारा ऊंचा है तो उसकी छांव उत्तर पूर्व में पड़ेगी, और उत्तर पूर्व हमारे यहाँ खुला रखने के लिए कहा गया, क्योंकि घर के सारे लोग जब थक के आएंगे आपस में बैठेंगे तो उत्तर पूर्व में बैठेंगे तो वहाँ छांव मिलेगी, वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ कोई शौचालय इत्यादि नहीं है तो दूषित वातावरण नहीं होगा, तुलसी का बिरवा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वातावरण सात्विक रहेगा, तो कितना लाभ रहेगा, ये सोचकर उन्होंने घर का एक लेआउट दिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि दक्षिण पूर्व में अगर आपके यहाँ रसोई नहीं है तो वहाँ सूर्य भगवान का चित्र लगा लो,
सूर्य भगवान का चित्र लगाने से विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो ये अंधविश्वास को नहीं मानते हुए उसको नहीं माने उसका पालन न करें, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है उसको हम वैज्ञानिक पक्ष को अगर देखें, और उसी प्रकार से मेरा कहना है कि वास्तुशास्त्रियों को जो हल बताना है वो भी उस वैज्ञानिक पक्ष के अनुरूप अगर हल बताते हैं तो वास्तुशास्त्र से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि भोजन की जो परंपरा है हमारे देश में, भोजन की एक परंपरा होती है, तो उसमें भी क्या विज्ञान शामिल है? बहुत बहुत ही माने वैज्ञानिक पद्धति से हमारे यहाँ भोजन की परंपरा बताई है। देखिए, हम जो ग्रहण करते हैं उसमें एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट और एक पक्ष होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट के भी दो पार्ट हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट कुछ ट्रेसेस में लिए जाते हैं, जैसे सोना चांदी ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हमको ट्रेसेस में चाहिए। कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, ये हमको थोड़ी अधिक मात्रा में चाहिए। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आते हैं। हम कुछ भी भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, प्रोटीन और फैट भी सामान्य तौर पर हमारे भोजन में शामिल रहता है। लेकिन जो हमारे जीवन को वास्तविक संतुलित रूप से चलाते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हर व्यक्ति को संतुलित मिल जाए ये आज के समाज में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। जब हम बोलते हैं कुपोषण का शिकार कोई है तो सामान्य तौर पे उसको कार्बोहाइड्रेट की कमी नहीं होती, उसको भात मिल जाता है, लेकिन उसको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए आयरन वो नहीं मिल रहा, कॉपर नहीं मिल रहा, जिंक नहीं मिल रहा, मैग्नीशियम नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? तो इसकी व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बहुत ढंग से की। आपको याद होगा पहले हमारे यहाँ भोजन पीतल के बर्तनों में बनता था। पीतल क्या है? तो कॉपर और जिंक का एलॉय है। अब उसमें जब भोजन पकता है तो कॉपर और जिंक स्वतः भोजन में मिल जाता है और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमें चाहिए। आपको याद होगा पहले कांसे के बर्तनों में लोग भोजन करते थे, जब हमारे मेहमान आते थे तो कांसे के बर्तनों में भोजन परोसते थे, घरों में कांसे के बर्तनों का उपयोग होता था। तो कांसा भी क्या है? कॉपर और जिंक का एलॉय है। तो जब उसमें भोजन करेंगे तो निश्चित तौर पर कॉपर और जिंक मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। पानी भी उसी में पिया जाता था पहले, पानी भी तांबे के बर्तन में पिया जाता था। रात को तांबे के बर्तन में पानी रख लिया और सुबह उसको पिया तो आपको उसके ऊपर एक परत, जो पतली सी परत जमी हुई दिखती है वो कॉपर है, नैनो पार्टिकल्स कॉपर के हैं, शरीर उसको ग्रहण कर लेता था और इससे हमारा संपूर्ण जीवन जो है संतुलित रहता था। अब देखिए खाना बनता था तो पहले लोहे की कढ़ाई में खाना बनता था, नॉनस्टिक का प्रचलन नहीं था। अब लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनता था तो आयरन कंटेंट आ जाते थे, तो रक्ताल्पता जो होती है, जो खून की कमी होती है वो हमारे लोगों में नहीं होती थी। जो हमारे मसाले हैं उन मसालों को आप देखेंगे तो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से मसाले तय किए गए। आजकल भले वो एक फैशन चल गया है कि नहीं स्पाइसी फूड हमें नहीं खाना है, लेकिन आज जो स्पाइसी फूड है उसमें देखने की बात है, जैसे चाइनीज़ फूड है अजीनोमोटो डालते हैं, कैंसर का कारक है। हमारे जो मसाले हैं सारी औषधियाँ हैं, दालचीनी, हल्दी, धनिया, जीरा, नमक में भी हम सेंधव नमक का प्रयोग करते थे, रॉक सॉल्ट, उसमें हमको मिनरल्स मिलते थे। तो हमारे यहाँ भोजन बनाने की जो पद्धति, उसको परोसने की पद्धति, बर्तनों की पद्धति, इन सब में वैज्ञानिकता है। यहाँ तक कि बैठकर खाने की पद्धति में भी वैज्ञानिकता है। अब देखिए आप एक मार्क करते होंगे, आप गुपचुप के ठेले में गए हैं और गुपचुप खाने जा रहे हैं तो आपके मुंह पे पानी आ जाता है। क्यों पानी आता है? तो हमारे शरीर में एक पद्धति है, एक तंत्र है, वो काम करता है। हम भोजन को जब देखते हैं तो देखने से ही हमारी पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। भोजन को देखते ही शरीर पहचान जाता है कि इस भोजन में क्या क्या कंटेंट्स हैं और उसको पचाने के लिए हमें किन किन एंजाइम की ज़रूरत है, और वो एंजाइम अपने आप बनने लगते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ भोजन करते समय जब हम बैठते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़कर हमको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करना है, फिर भोजन मंत्र करना है। भोजन मंत्र करने में जो समय मिलता है उतने में हमारे शरीर को तैयार होने के लिए, एंजाइम्स बनाने का समय मिल जाता है। फिर हाथ से जब हम भोजन करते हैं तो ये तंत्र, हाथ कोई चीज़ को टच करने से ब्रेन के पास में बहुत जल्दी संकेत पहुँचते हैं। तो जब हम हाथ से भोजन को टच करते हैं तो ब्रेन को और जल्दी संकेत पहुंचते हैं, तो अगर कोई एंजाइम बनने में कमी रह गई है तो वो भी पूरी हो जाती है। फिर भोजन हमको किस तापमान में खाना चाहिए ये भी तय करना होता है। बहुत गर्म गर्म खाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, बहुत ठंडा खाएंगे तो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। अब थर्मामीटर लेकर तो नापेंगे नहीं कि कौन सा भोजन किस तापमान में करें, तो हाथ जो है ये हमारा नेचुरल थर्मामीटर है, ये बिल्कुल बताता है कि हमारे शरीर को किस तापमान का भोजन करना। तो हाथ से भोजन करने की हमारे यहाँ पद्धति बनाई है। जब हम बैठते हैं तो आप देखिए भोजन को पचाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो खून चाहिए।
भोजन पचने को तो अम्लों से पच जाता है, लेकिन जो एनर्जी उत्सर्जित होती है भोजन पचाने के बाद, उसको खून पूरे शरीर में वहन करता है। तो अगर हम खड़े खड़े या कुर्सी पर बैठ के भोजन करते हैं तो खून का प्रवाह पाँव के नीचे तलवे तक जाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स से खून उधर जाएगा, तो पेट पे अधिक खून प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि पालथी मार लो। पालथी मारकर बैठने से हमारे खून को सिर्फ पेट के आसपास जो अतिरिक्त खून चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। तो बैठकर भोजन करना, हाथ से भोजन करना, जिन बर्तनों में भोजन करना, क्या भोजन करना, ये सारा कुछ हमारे पूर्वजों ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताया है। अग्रवाल जी, बस आपसे एक आखिरी सवाल पर हम पहुँचते हैं कि परंपरागत खेल और उसके बाद विदेशी खेल में कौन सा आप उसे श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए, खेल तो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, मनुष्य कुछ भी खेले। अगर वो कुछ नहीं खेल रहा है तो विदेशी खेल खेले, क्रिकेट खेले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सोच विचार कर वैज्ञानिकता के आधार पर कहा जाए तो जो हमारे मनुष्यों ने खेल स्थापित किए वो खेल बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टि से बनाए गए हैं, उसमें शरीर का और मन का दोनों का विचार किया गया है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको कबड्डी बताता हूँ। गाँव-गाँव में कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी खेलने के लिए क्या करना है, एक लाइन खींचना है, एक तरफ आप हो गए, एक तरफ दूसरा पक्ष हो गया और कबड्डी शुरू हो गई। तो बिना इक्विपमेंट के गरीब से गरीब, अमीर से अमीर आदमी इसको खेल सकता है। कबड्डी खेलते समय कम से कम वस्त्र शरीर पर रहते हैं। पहले तो परंपरा थी सिर्फ लंगोट पहन के कबड्डी खेलते थे। तो कबड्डी खेलते समय आदमी गिरेगा, पड़ेगा, धूल में सनेगा। धूल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। एक्सपोजर अगर किसी को नहीं मिलेगा तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। आज जैसे हम बच्चे को पालते हैं, घर पर रखते हैं, तो सिर्फ आरओ वाटर पिलाते हैं, उसमें मिनरल्स हैं ही नहीं, और उसका नाम भले मिनरल वाटर कहते हैं। जो सिर्फ मिनरल वाटर पे पला है और जो सामान्य पानी पे पला है, आप देखेंगे जो सामान्य पानी पे पला है उसका इम्यून सिस्टम मजबूत है। तो धूल वैसे ही एक आवश्यक पार्ट है। दूसरा, आप मनोवैज्ञानिक पक्ष में देखिए, मनुष्य को भय किससे लगता है? मृत्यु से। हमारे खेलों में मनुष्य मरता है और जीता है। कबड्डी में हमने किसी को आउट किया, आउट नहीं किया, हम उसको मार देते हैं, वो मर के बाहर हो जाता है और फिर वो जिंदा हो जाता है। तो मृत्यु से जो उसका भय है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं समाप्त होते रहता है। उसको मालूम है मैं बहुत बार मरा, बहुत बार जिंदा रहा। हमारे यहाँ पुनर्जन्म की कल्पना भी इसीलिए बताई कि मनुष्य मरने से डरे नहीं, क्योंकि मरने की जो प्रक्रिया है ना वो बड़ी भयभीत करने वाली होती है। आदमी अगर मनुष्य के मृत्यु के बारे में सोचने लग जाए तो जी नहीं पाएगा। तो वो एक मनोवैज्ञानिक उसका पहलू हुआ। दूसरा, आजकल देखिए बड़ा नाम है सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक करके आया तो बड़ा हमें अच्छा लगा। कबड्डी क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक है। सामने साथ साथ आपके जो विरोधी हैं वो खड़े हैं और आपको कबड्डी को पहले बोलते थे कोवर्धते, कोवर्धते से कबड्डी निकली। कोवर्धते माने कौन बढ़ता है, कौन आगे बढ़ सकता है, जो साथ साथ के बीच में अकेला चला जाए वो बढ़ सकता है। और देखिए इसमें रणनीति भी सिखाई गई है। क्या होता था हमारे राजपूत राजाओं ने किया कि देखा कि चारों तरफ से घिर गए तो बोलते थे गुलाम नहीं होना है, मर जाएंगे भले, पीठ नहीं दिखाना है, वो आगे बढ़ के मरने चले जाते थे, मर जाते थे, युद्ध समाप्त हो जाता था। शिवाजी ने कहा नहीं, कबड्डी से सीखो, अगर आप सात लोगों के बीच में गए आपको वहाँ मार के आना है, नहीं मार के आए तो बच के आना है, मरना नहीं है, माने मरने में वीरता नहीं है, शिवाजी ने कहा। तो शिवाजी ने युद्ध लंबा चलाया, जहाँ जरूरत पड़ती थी भाग जाते थे। कितनी बड़ी रणनीति थी, जिसको गुरिल्ला वार कहते हैं, और उसके आधार पर उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया। ये जो सीख है ये कबड्डी से प्राप्त होती है। तो आप देखिए कबड्डी वैज्ञानिक दृष्टि से आपको सिखाने वाली भी है, मनोविज्ञान भी आपका मजबूत करने वाली है, शरीर भी मजबूत करने वाली है। तो जो भारतीय खेल हैं इनमें वैज्ञानिकता कैसे प्रचंड रूप से डाली गई है और किस प्रकार से इन खेलों को विकसित किया गया है, ये अगर हम सोचते हैं और गहन अध्ययन करते हैं तो हमें आश्चर्य होगा। वास्तव में हम अपने ऋषि मुनियों के, पूर्वजों के हम लोग ऋणी हैं, हमको उनका आभारी रहना चाहिए। और अपनी परंपराओं को, किसी भी परंपरा को, मेरा मानना है कि छोड़ने से पहले उसके अंदर क्या विज्ञान हो सकता है इसके ऊपर गहन अगर हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारी सारी परंपराएं वैज्ञानिक हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली हैं। इनका हमको श्रद्धा से पालन करना चाहिए। आज हमारे बीच शोधकर्ता सुनील अग्रवाल जी मौजूद थे खास बात के कार्यक्रम में। उनसे हमने बहुत सारी चीज़ों में जाना कि विज्ञान का और संस्कृति दोनों का समावेश किस तरह से किया जाता है, चाहे वो भोजन हो, वास्तुशास्त्र हो या खेल हो, सभी विषय की जानकारी उन्होंने हमें बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। ऐसे ही अगले कड़ी में फिर हम किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर आपसे हम मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।